तो स्वागत है आप सबका। आज हम एक लड़की कॉलेज कैसे जाती है वो सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि जब एक लड़का कॉलेज के सामने चला जाता है और लड़कियों को देखने लग जाता है और एक बात के द्वारा कैसे अपने यार दोस्तों को क्या बताने लग जाता है कि मैंने क्या क्या देखा, क्या बताया, बिल्कुल नई लेटेस्ट चुनावी। अरे चुप कर यार, वैसे भी ये लड़की जो बोल रही है वो समझ नहीं आ रही, ऊपर से तू पीछे से पै 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 किए जा रहा है, क्या है ये? चली कॉलेज में छोरी, फैशन में हो रही। वो तेरे बाप के पैसे से थोड़ी ना फैशन में हो रही, और तू इतना क्यों जल रही है? तू भी फैशन में हो ना, तुझे किसने रोका है? और ऐसे हर छोटी चीज पे गाना गाने की जरूरत नहीं है। आज जलन हो रहा है तो गाना गा रही है, कल गुस्सा आ रहा है तो गाना गाएगी। मतलब जो भी फीलिंग आ रहा है उसका वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दो, फ्रस्ट्रेशन का फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, पैसे का पैसा अंदर आ जाता है। वाह। और सबसे अच्छी बात तो ये कि जितना ज्यादा चूतियागिरी करोगे उतना ज्यादा बढ़ोगे। तभी देखो इंडिया के यूट्यूबर्स कितना फल फूल रहे हैं अभी आजकल। बस मैं भी उसी राह पे चल रहा हूँ, और क्या। ये डांस देख के लियोनार्डो डी कैप्रियो ने अपना ऑस्कर इसको फेंक के मारा। और इस तबले वाले की शक्ल को देखो, ऐसा लग रहा है इसके सामने कोई आम लड़की ने साक्षात सनी लियोनी ही नाच रही हो। खुशी तो देखो इस तबले वाले के शक्ल पे, और आंखें देखो इसकी, साला देख के समझ में आता है इसने जिंदगी भर लड़कों के साथ ही फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स खेला। एक लड़की को ऐसे नाचते हुए देख के साला बावला हो चुका है। और अब इन दोनों को देखो, ये बोल रहा है अरे भाई क्या हो गया इसको, ये बोल रहा है कुछ नहीं हुआ, जैसे ही गाना खत्म हुआ एक बाबा को पकड़ के लाना, इस औरत का बहुत दिन से झाड़ फूक नहीं हुआ है। झाड़ू का दो तीन चमाट पड़ती है औरत ठीक हो जाती है। अभी आप वो सब छोड़ो, ये जो हिला रही है वो हिलते हुए देख के आप मजे लो। अरे बाप रे, लगता है इस औरत के अंदर का जॉनी सिंस जाग चुका है। और जिसको नहीं पता कि जॉनी सिंस कौन है तो वेरी गुड, आप जिंदगी के सही राह पे चल रहे हो, चलते रहो। यहाँ पे सारे बुड्ढों से निवेदन है कि यहाँ पे ना हिलाए और जिंदगी के आखिरी पल सुकून और शांति से बिताने की कोशिश करें। और यहाँ से घर जाते वक्त भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि एक हाथ अगर पैंट के अंदर होगा और दूसरा हाथ अगर स्टीयरिंग व्हील पे होगा तो दुर्घटना घट सकती है। खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में। छोड़ो यार, जिसको अपने हाथ में जो रखना है रखो यार, मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो हमेशा की तरह हम फेसबुक में लेके आ चुके हैं, वहाँ पे आप हमको फॉलो करो, ओ कमेंटेटर नाम है हमारा, आप सर्च करो हम मिल जाएंगे। और यूट्यूब में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।